अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मैं इसको जो मैं जिस टूल से बाइबल पढ़ता हूं, मैं एक जगह से बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं उसके वचन को समझता हूं, उसको इब्रानी यूनानी में समझता हूं, उनको जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के जिनका काम है बाइबल की शिक्षा को डीप लेके जाना, उनकी बुक्स से समझता हूं, पवित्र आत्मा से समझता हूं, अपने एक्सपीरियंस से समझता हूं, और फिर मैं उस वचन को पब्लिकली बोलता हूं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं और इमोशनल भी हो सकते हैं और सेवकाई दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब आपको वचन की एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती ना तो आप ग्रो करते ना लोग ग्रो करते। उसमें लिखा है पहला पद जब हम पढ़ते हैं 4:8 में, जब परमेश्वर ने प्रेम का जिक्र किया, तो बाइबल में जो प्रेम शब्द है वो अलग अलग तरह से लिखा गया है, लेकिन हिंदी में उसे एक तरह से लिखा गया प्रेम। जीसस क्राइस्ट ने पत्रस से कहा, हे यहूना, हे पत्रस, उसको हम पढ़ सकते हैं उस आयत को भी, कि क्या तुम उससे प्यार करता है? उसने कहा, पत्रस ने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं। फिर प्रभु ने पूछा, क्या तुम उससे प्यार करता है? एक बार परमेश्वर ने प्यार शब्द को यूज किया अगापे शब्द से, एक बार फिलियो शब्द से, लेकिन हिंदी में उसे प्यार ही बोलते हैं। फिलियो होता है भाइयों वाला प्यार, अगापे होता है अनकंडीशनल प्यार, जिस तरह जीसस ने किया। उसने कहा, पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया। यूहन्ना 3:16 आयत में अगर आप पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो परमेश्वर ने ये प्रेम शब्द जो लिखा है, इस प्रेम शब्द को हम निकालेंगे। ये प्रेम शब्द निकला है अगापे से, आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी अगापे वर्ड अगर आपके पास है तो। ये है जब परमेश्वर ने तुमसे प्यार किया अनकंडीशनली। एक है फिलियो, जब परमेश्वर ने पत्रस से एक दूसरी बार कहा, क्या तुम उससे प्यार करता है, यानी क्या तुम उससे अगापे करता है, क्या तुम उससे फिलियो करता है, तो परमेश्वर अलग अलग उससे पूछ रहे थे। लेकिन ये जो प्यार के बारे में लिखा गया कि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है, ये फिलियो के लिए नहीं लिखा गया, भाइयों के प्यार में नहीं लिखा गया, ये जीसस क्राइस्ट के अनकंडीशनल लव के लिए लिखा गया। कि तुम कैसे किसी के अपराध को ढांप सकते हो? क्या तुम उस पाप के विषय में चुप रहोगे? तुम्हारी लड़की अपराध करे घर में, तुम उसके अपराध से चुप रहोगे? दो बच्चे एक रूम में खेल रहे हैं, एक बच्चे ने सुसु कर दिया, दूसरा बच्चा कहता है मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, वो सुसु को उसने चद्दर से ढक दिया, अच्छा किया? क्या होगा? स्मेल आए, गंदा हो जाएगा, बैक्टीरिया पनपेंगे, बीमारी पनपेगी। लेकिन अगर वो बच्चा अपनी मां को रिपोर्ट करेगा, मम्मा सुसु, तो मम्मा आएगी भागी भागी सुसु साफ करेगी, और बच्चे को बोलेगी ए मारूंगी अगर सुसु दोबारा किया तो। बच्चा डर जाएगा एक बार, और फिर सुसु जब आएगा तो मम्मा के पास जाएगा कि सुसु जाना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये होता है प्यार। अगर मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, मैं इसकी गंदगी को ढक कर इसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी गंदगी को रिपोर्ट करूंगा। बाप आएगा, वो उसका प्रेम सब अपराधों को ढांप देगा और उस बंदे को माफ कर देगा और साफ कर देगा, और दोबारा ना गुनाह करने की